बहुत बुरा लगा भाई मुझे पर उनका। एक प्रॉब्लम हो गई जो बहुत ही बुरी हुई। खूबसूरत सा नजारा यहाँ पे ना, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। एक बार नहीं गई तो फर्स्ट टाइम जाऊंगी। ये पहाड़ी गुलबंदी है, ये मंडी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज सुबह सुबह मम्मी मैं रेडी हो चुके हैं एक खास जगह जाने के लिए। हम जा रहे हैं आज धारी देवी मंदिर, जाकि मैं दो बार पहले भी जा चुकी हूँ, एक बार अपने दूसरे वाले भाई के साथ, एक बार दूसरे वाले भाई के साथ। तो अभी चलते हैं क्योंकि नीचे गाड़ी आ चुकी है, हमेशा की तरह आज भी लेट ही हो गया है। बिना हम यहाँ सड़क में भी आ चुके हैं, बाकी सभी लोग आ गए थे भाई, लेट हो गया था। हेलो, कैसे हो? और काव्या रोने लग गई भाई, उसको पहले पता नहीं क्या हो गया। और नानी बैठ रखी है अंदर भी। हेलो काव्या। हेलो। अभी पहुंच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग में। बाकी यहाँ देखो भाई, बैक का नजारा कितना ही प्यारा है। रुद्रप्रयाग संगम, जहाँ पे ना दो नदियों का संगम होता है। पर आज ना हमारा अचानक ही प्लान बना यहाँ आने का। मम्मी मैं तो तैयार हो गए थे घास के लिए जाने के लिए, पर अचानक ही मामी का फोन आता है कि तुम भी चलो। नाना को पता नहीं क्या हुआ आज, वो गाड़ी में उसके साथ तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो आ नहीं रहा है। और नानी तो अंदर ही बैठ रखी है, नानी का मन भी नहीं कर रहा बाहर निकलने का। अभी हम रुके हैं इस वाली लोकेशन पे क्योंकि यहाँ से ना बैक का व्यू बहुत ही प्यारा आता है। मामी ने बोला मेरी फोटो खींच दे, बोल मामी कैसे लग रहा है, शर्मा रही है मामी। और ये रहा रुद्रप्रयाग का संगम। बाकी यहाँ पे ना अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और ये दोनों ना आगे जाके मिलके गंगा नदी कहलाती हैं। बाकी इस खूबसूरत से व्यू को देखने के लिए बहुत लोग रुकते हैं इस लोकेशन पे। और सामने से ना रुद्रप्रयाग मार्केट का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देता है। अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी में, गेट से करते हैं अंदर प्रस्थान। देखो भाई, रहा भाई खूबसूरत सा धारी देवी मंदिर। आना को देखो खतरनाक चश्मा लगा के। हे गाना, कौन है तू, कौन है? इस पे फुर्ती आ रखी है। काव्या को देखो भाई हाथ जोड़ के बिल्कुल से। नानी जी भी आ रखे, मैंने प्रणाम ही नहीं किया। नानी प्रणाम। नानी से अब मिलना हो रहा है मेरा, गाड़ी में नानी पीछे बैठ रखी थी ना, तो चलो आप। तो अभी करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। बाकी काव्या देखो भाई कितनी मस्त लगी। हेलो कर, हेलो कर, हेलो, अब पा कर दे पा, जय कर दे, जय 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 का। तो अभी चलते हैं। बाकी हम यहाँ पिछली बार आ गए, इतना अच्छा लग रहा है ना, सुबह सुबह अचानक ही प्लान बना। और बोलते हैं ना जब हम कहीं जाने के लिए बार बार बोलते हैं कि हाँ हम जाएंगे जाएंगे, तो वहाँ का प्लान कैंसिल हो जाता है और अचानक ही बनता है, तो फिर चले ही जाते हैं। तो जय माता दी, बढ़ते हैं आगे। तो अभी ना हमने अच्छे से दर्शन भी कर लिए हैं, बाकी अंदर कैमरा ले जाना मना है। और कुछ कुछ तो ले जा रहे थे पर वो गलत बात है, जब ना बोल रखा है तो ना है, वरना ना फोन छीन लेते हैं कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। मैं खींच रही हूँ इन सब की यहाँ पे फोटो, बस मेरे अलावा। यहाँ से देखो भाई कितनी मस्त लग रही है नदी, मन तो करे छलांग मार लूं। हमारी पूरी घिमशान, हम सारे आ रखे थे इतने सारे। ये रहा यहाँ का खूबसूरत सा मंदिर। और ठीक यहाँ पे ना माता जी की मूर्ति है, जो कटावा सिर था ना वो यहीं पे है। और यहाँ पे ना पीछे से ऐसे पत्थर रख रखे हैं, सारी कलाकारी ना लकड़ियों पे की गई है। कितना खूबसूरत सा मंदिर है।
आपको पता है जो सामने गांव दिख रहा है ना, उस गांव का नाम भी धारी माता की वजह से धारी गांव पड़ गया। तो कितना खूबसूरत सा गांव है, इसी जगह पे माता का कटावा सर बह के आया था, तभी से यहाँ पे स्थापित हो गया था और धारी मंदिर कहलाया। आजकल तो यहाँ बहुत ही कम पानी आ रखा है, वरना मंदिर के ठीक थोड़ा सा बचता था, मैं पूरा ऊपर तक पानी आया रहता था। खाना आजकल ये इसको बोलते हैं तेमेना, जो कि ना नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं। आजकल इसका फैशन ना गढ़वाल में भी आ गया है और कितने सुंदर रहते हैं ये। और एक प्रकार के ये भी होते हैं, ये भी नेपाल के ही लोग पहनते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन पे देखो कितने मस्त हैं। और ये पहाड़ी गुलबंदी हैं, ये आर्टिफिशियल। अभी हम जा रहे थे नीचे नदी में पर कैंसिल हो गया अभी, क्योंकि हमें ना दूसरे मंदिर भी जाना है, बाबा कोटेश्वर। पर मैं वहाँ एक बार नहीं गई तो फर्स्ट टाइम जाऊँगी, तो अभी चलते हैं। जय माता धारी देवी की। अगर दोबारा बुलावा होगा तो दोबारा आएंगे, बाकी अभी चलते हैं। माता के मंदिर से तो हम ऊपर आ चुके हैं, भैरवनाथ बाबा का मंदिर है, तो थोड़ा यहाँ पे दर्शन करते हैं। इसको देखो खुद चल के आ रही है भाई, हाथ पकड़ने से मना कर रही है। ये दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, उसके स्कूटी में सर लग गया, वो खुद ही में रो रही। अगर हम उसको बोलेंगे ना तो वो और रोएगी, फिर उसका सर लगा, वो उसको गिरा रही है। तो अब लेते हैं माँ धारी देवी के मंदिर से विदा, अगली बार जरूर आएंगे। तो ये हमने ना गाड़ी बुक करके लाए थे, तो अभी चलते हैं। तो फिर अच्छा हो रहा है कि जहाँ पे हमारा मन कर रहा है वहाँ पे रुक रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। गाड़ी भी आ चुकी है, अब चलते हैं जल्दी से। अभी हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग में और हम जा रहे हैं अभी कोटेश्वर मंदिर में। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को पता नहीं है कैसा मंदिर है। मम्मी तो भाई के साथ एक बार पहले गई है। ऐसे शिवलिंग है हर जगह। हे महादेव भगवान, क्या मस्त है ये शिवलिंग। कान्हा को देखो भाई, जय कान्हा, जय जय बाबा, जय बाबा। यहाँ पे देखो भाई क्या मस्त बना रखा है, एक बंदर उसके गोदी में उसका बच्चा, और ये सारे हाथ कोई बैग दे रहा है, कोई सेब, कोई केला दे रहा है। यहाँ देखो भाई चारों तरफ क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और नीचे नदी। तो अभी मम्मी चलो यार, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है। तो अभी ना हम इतने ऊपर से आ गए, पता नहीं कितने नीचे है, चलते रहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मामा ये पता नहीं पीछे कहाँ रह गए। नजारा देखो भाई, मन तो कर रहा है नदी में कूद जाऊं, पर नदी में कूद जाऊंगी तो मर जाऊंगी ना, मेरे को स्विमिंग नहीं आती है। खूबसूरत सा नजारा, यहाँ का पानी इतना ज्यादा ठंडा है ना, इतना ज्यादा ठंडा है, मैं बता नहीं सकती। हर हर महादेव, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है भाई। अभी चलते हैं इस खूबसूरत नज़ारे से ऊपर मंदिर में, पूजा भी करनी है, घर भी जाना है। इतने अभी हम धारी देवी गए थे, अभी हम यहाँ आ गए कोटेश्वर मंदिर में। और यहाँ पे रहा भगवान का असली मंदिर इस गुफा के पीछे। ऊपर ना पूरी बड़ी सी चट्टान है एक पहाड़, और उसके अंदर पे है भाई बाबा कोटेश्वर का मंदिर। ऊपर से पानी आता है और ये पानी ना हमेशा ऐसे ही रहता है, सावन के महीने में तो यहाँ फुल पानी भरा रहता है। से देखो भाई कितनी बड़ी चट्टान है, पूरी पत्थरों की चट्टान, और नीचे पे अंदर गुफा पे मंदिर। तो एक पहाड़ी महिला को बना रखा है, पूरे पहाड़ी ना जो भी होते हैं नाकी नथनी गुलबन झुमके सब पहन रखे हैं, पर ये हाथ पे क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। वही बारात जाते हुए डोली हमको ना यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लग गया जाम। जो कि ये वाली रोड है ना, ये हर समय हर घंटे में टूटती रहती है, धीरे धीरे करके ये मलबा नीचे आ रहा है। पूरी रोड पे हम ठीक ठाक आए, आते समय भी यहाँ पे ठीक था, अभी देखो भाई जाम लग गया। यहाँ की रोड इतनी ज़्यादा कच्ची है ना, ये हर समय हर मिनट में टूटती रहती है, तो हर 5 मिनट में ना यहाँ जाम लगा रहता है, पीछे तक पूरा जाम लगा हुआ है।
भाभी और भैया तो यहीं से जाएंगे, ठीक है बाय। हम सुमाड़ी मार्केट में आ चुके हैं, बाकी बहुत ही ज्यादा भूख लग गई, थोड़ा चाउमीन खाने जाते हैं। आज तो पूरा मार्केट बंद है, मस्त करके गर्मा गर्म चाउमीन भी बन के आ चुकी है कि आज ना पूरा मार्केट बंद है, तो यही वाली होटल खुला थी तो अभी फटाफट से खाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भूख भी लग गई। तो अभी चाउमीन खाने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए। ये ना चाचा जी हमारे गांव के हैं तो पूरे तैला के ना सब सब्जी लेने के लिए यहीं पे आते हैं। गाइस एक इसको देखो, ये उठी नहीं है, ये ना पता है रुद्रप्रयाग में सो गई थी, अभी तिलवाड़ा में आए रुद्रप्रयाग से, उसके बाद हमने चाउमीन खाई सब्जी लिए, उठने का नाम ही नहीं ले रही। अभी ये सो रखी है, फिर ये रात भर रोती रहती है। उठ मोशू, काव्या वो काव्या नहीं उठ रही, मैंने बहुत कोशिश कर ली इसको उठाने की, बार उठ ही नहीं रही। और हम छोटे में ना हमको एक आवाज़ देते थे हम उठ जाते थे, सीधे रोने लगते थे। और एक ये देखो इसको कितना घुमा दिया, ये उठी नहीं थी। गाइस अभी हम तैला पे भी पहुंच चुके हैं, बाकी ना मेरे को कुछ सामान देना है इसलिए जल्दी जल्दी घर जाना है, तब तक के ना मामी और यहीं पे रुकेंगे। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, बाकी हमने खाना भी खा लिया है और एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई आज ना हमको ना धारी देवी मंदिर में एक सब्सक्राइबर मिली थी आंटी जी, जो कि देहरादून से थी और वीडियो देखती थी आंटी जी। और आंटी जी इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना, मतलब कोई कोई सब्सक्राइबर ऐसे रहते हैं, ऐसे लगता है इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लगता है कि हमारी कोई फैमिली मेंबर मिल गई हो, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरी मम्मी से भी मिली, मेरे से भी मिली, मुझे भी बहुत बुरा लगा। पर एक प्रॉब्लम हो गई जो बहुत ही बुरी हुई कि आंटी जी के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, दो तीन दिन से मेरा फ़ोन हैंग मार रहा है, मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियो डिलीट हो गई, तो वो वाली वीडियो भी और मंदिर की बहुत सारी क्लिप डिलीट हो गई। तो आंटी जी से माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी वीडियो डिलीट हो गई। अगर अगली बार आप उत्तराखंड आओगे, आंटी जी देहरादून की हैं, अगली बार आप इधर की साइड आओगे केदारनाथ साइड जरूर आना आप घूमने, और हमारे घर भी आने। जी सॉरी कि आपकी वो वाली वीडियो डिलीट हो गई, आप कमेंट जरूर करना और वीडियो देखते रहना।